चुनावों में भले अभी काफी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों में अभी से ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हालांकि 2024 का चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आएगा, इसका पूर्वानुमान या पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इसको लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच अभी से ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने भाजपा को चेताया कि पूरा विपक्ष साथ है और 2024 के चुनाव में भाजपा को 100 सीटों पर सिमटा देंगे। नीतीश ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में 7 दलों का मजबूत गठबंधन बना है और सभी 44 सीटों पर हम लोग जीतेंगे, यानी कि नीतीश कुमार चुनावों में बड़ी जीत के लिए आश्वस्त है। लेकिन भाजपा के सम्राट चौधरी ने नीतीश के बयान पर पलटवार किया है। वार पलटवार तो लगा ही रहता है, वही चीज यहाँ पर भी हुआ है। बता दें कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार खुद खाता खोल कर दिखा दे, बिहार की जनता उनका खाता नहीं खुलने देगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटा था तब जेडीयू 2 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार बिहार की जनता उन्हें डिस्पोज करने का मन बना चुकी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीतिक में अप्रासंगिक हो चुके हैं और इस बार बीजेपी 44 में से 44 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसके आगे सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 7 महीने से बिहार की सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सो चुकी महागठबंधन की सरकार, बालू माफिया और शराब माफिया की गोद में चलने वाली सरकार है। आप ये तंज देख लीजिए किस तरीके से बात को कहा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य भर में रोज हत्याएं हो रही हैं, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तो लालू तेजस्वी के लोग भी नीतीश को पलटू चाचा कहना शुरू कर चुके हैं। इसके आगे सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को सीएम बनाने की अगर कोई तारीख तय की है तो बिहार की जनता उसे जानना चाहती है। यहाँ तो सिर्फ बात हो रही है, तारीख अभी नहीं आई है, वही जानना चाह रही है। इस तरह सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए यह दावा किया कि आगामी चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी। हालांकि लोकसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन दावेदारी अभी से शुरू है। जिस तरह से चुनावों को लेकर अभी से ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसकी वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। खैर, इस दिलचस्पी का आनंद तो आप ही ले रहे होंगे और देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर सजेगा और किसकी दावेदारी सही साबित होगी। फिलहाल तो ये रिपोर्ट यही था। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.